बना रहे हैं अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी बनाने के लिए हमने तवा रख दिया गैस पे और गर्म हो गया, हम तेल डाल देते हैं। हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और हमें लगेगा ये अंडा, हमने 2 अंडा लिए हैं और हमें लगेगा ये ऑनियन लिए हैं, छोटे छोटे स्लाइस करके ले लिए हैं, और हरी मिर्ची लिया है, टमाटो लिया है, हरी धनिया लिया है, और स्वाद अनुसार सॉल्ट तो हमें लगेगा, बस इतना ही सामान हमें लगेगा। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, हम पहले ऑनियन डाल देते हैं। ये झटपट बनने वाला चीज है, कोई भी बना सकता है, फटाफट बनता है। कभी आपको जल्दी है, फटाफट भुर्जी बनाइए, खाइए। किधर काम पे जाना है, किधर भी जाना है, क्या कोई जा रहा है ऑफिस, उनके लिए भी आप फटाफट बना के ये सर्व कर सकते हो। तो ऑनियन हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम एक ग्रीन चिल्ली डाल देते हैं। ये डाल दिए हैं ग्रीन चिल्ली, आपके हिसाब से डालिए, हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए हैं, हमें पसंद है इसीलिए डाल दिया है तीखा। तो ये थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ग्रीन चिल्ली भी हमारा भून के हो गया है, अब हम ये टमाटर डाल देते हैं। ये टमाटर डाल के भी हमें भूनना है अच्छे से, और इसके साथ साथ में हम सॉल्ट भी डाल देते हैं। ये हम डाल दिए हैं, स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है सॉल्ट। सॉल्ट डालने से ये जो टमाटो जल्दी पकेगा, नरम हो जाएगा जल्दी, इसीलिए डाला जाता है पहले। हमने डाल दिया है, थोड़ा सा पकने दीजिए। तो हमारा टमाटो नरम हो गया है, अब हम 1/2 टेबल चम्मच छोटे चम्मच का हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा हम डालते हैं, और थोड़ा सा हमें जीरा पाउडर लगेगा। तो हमने छोटे चम्मच का 1/2 टेबल चम्मच हमने जीरा पाउडर भी डाल दिया है। ये डाल के सबको मिलाना है, तो हम मिला दिए हैं। तो 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी भी डाल दिए हैं। तो अब हम अंडा डायरेक्ट उसके अंदर डाल रहे हैं, बिना फटे हुए ये हम डाल दिए हैं, और एक हम डालने वाले हैं, ये भी हम डाल दिए हैं। तो ये डाल के मिलाना है मसाला के साथ अच्छे से, तभी तो बनेगा भुर्जी। तो ऐसे ही तो इसी तरह हमें मिलाना है, ऐसा घुमा घुमा चलाते रहिए, क्योंकि नीचे लग जाएगा नहीं चलाओगे तो। आप ऐसा ही चलाते रहने का, हमें जितना आप ऐसा मिक्स्ड करोगे उतना दानेदार बनेगा, खुले खुले बनेगा, एक साथ चिपका हुआ नहीं रहेगा, ऐसा खुले खुले बनेगा, तभी तो भुर्जी बनेगा। तो हमको लास्ट में हरा धनिया भी डालना है, थोड़ा सा पकने दीजिए। तो ये रेडी है, अब हम हरे धनिया डाल रहे हैं, देखिए डाल देते हैं। ये डाल के हमें मिक्स करना है। तो थोड़ी देर हमने मिला दिए हैं हरे धनिया को, देखिए पूरा मिक्स्ड हो गया है, और ये ऑलमोस्ट एकदम तैयार हो गया है। अभी हम प्लेटिंग करके आपसे मिलते हैं। तो हमारी अंडा भुर्जी एकदम रेडी है, आप इसे पाव से, ब्रेड से या रोटी से खा सकते हो, किसी से भी आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हो वो लोग हमारा चैनल में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। तो जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।